गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर डूइंग स्टडी अबाउट चैप्टर 5 फ्रॉम गुलमोहर बुक एंड द चैप्टर नेम इज़ बिफोर द मैच। नाउ स्टार्टेड द मालगुड़ी क्रिकेट क्लब MCC, अ न्यूली फॉर्म्ड क्रिकेट टीम इन मालगुड़ी इन्वाइट द यंग मैंस यूनियन टू अ क्रिकेट टीम। मालगुड़ी की एक क्रिकेट की टीम नई बनाई गई, मालगुड़ी क्रिकेट क्लब, जिन्होंने यंग मैंस यूनियन की टीम को क्रिकेट मैच खेलने के लिए इनवाइट किया। एज द YMU कंसिस्ट ऑफ ओल्डर प्लेयर, YMU में क्या था, उसमें सारे ओल्डर प्लेयर थे, पुराने प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर। राजम द कैप्टन ऑफ द MCC, राजम जो था वो MCC का कैप्टन था। फील नर्वस, जो कि नर्वस फील कर रहा था राजम। लॉस्ट ऑल पीस ऑफ माइंड, राजम अपनी सुध-बुध खो चुका था। ही फेल्ट कॉन्फिडेंट हिज टीम कुड ट्रैश द YMU, और उसे ये विश्वास था कि उसकी टीम YMU को बुरी तरह से हरा देगी। ट्रैश मीन्स होता है हराना। ही हिमसेल्फ कुड बी डिपेंड अपॉन नॉट टू लेट द टीम डाउन। इवन उसको अपने ऊपर भी ये विश्वास था कि वो अपनी टीम को लेट डाउन नहीं करेगा, मतलब उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। मनी वॉज स्टडी इफ इम्प्रेसिव, मनी जो था वो शांत था, इम्प्रेसिव मतलब ऑर्डनरी। कभी अपना मन होता है तो हंसना, अपना मन होता है तो करना। ही कुड स्टॉप एनी बॉल विद हिज हेड इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़े तो वो बॉल को अपने हेड, अपने सर से भी रोक सकता है। हिज बैटिंग वॉज नॉट बैड, उसकी जो बैटिंग थी वो भी बुरी नहीं थी। देयर वॉज ओनली वन प्लेयर हु कॉज हिम द डीपेस्ट एंजाइटी, लेकिन उसको एक ही प्लेयर की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। एंजाइटी मीन्स होता है चिंता करना, वरेड। तो लेकिन राजम जो था उसको, लेकिन अपनी टीम में केवल एक ही प्लेयर था जिसकी उसे चिंता हो रही थी। ऑन हिम रेस्टेड अ ग्रेट टास्क, जिसका बहुत बड़ा कार्य था, जिसको बहुत बड़ा काम करना था, अ माइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ही वॉज द टेट ऑफ द टीम, टेट मतलब होता है एक इंग्लिश बॉलर है जो कि 1920 से 1930 तक उन्होंने प्ले किया है, और वो बहुत ही फास्ट बॉलर हैं जिनका नाम टेट है। तो उसे, जिसकी ये बात कर रहे हैं हम, वो हैं स्वामी, उसको टेट बुलाते हैं सब। बट ही लुक्ड अनसर्टेन इवन विद द मैच ओनली फॉर नाइट ऑफ, लेकिन सब अनिश्चित सा हो रहा था क्योंकि डिड नॉट सीम टू बी केयर फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, इसलिए बहुत अनिश्चित सा लग रहा था क्योंकि मैच को सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे थे। स्वामी राजम प्लीडेड, प्लीज़ डू ट्राई हैव टू एट लीस्ट एन आवर प्रैक्टिस इन द इवनिंग। राजम स्वामी से कहते हैं कि तुम्हें डेली केवल शाम को 1 घंटा तो कम से कम प्रैक्टिस करनी चाहिए। सर्टेन राजम, राजम ने कहा इफ़ यू कैन सजेस्टेड अ वे, अगर तुम्हें, हाँ ज़रूर, अगर तुम सजेस्ट करो। वाई नॉट टेल योर हेड मास्टर, तुम अपने हेड मास्टर से क्यों नहीं कहते। ओ नो नो, स्वामीनाथन क्राइड, प्लीज़ लेट अस नॉट थिंक ऑफ दैट मैन। स्वामीनाथन कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। बट यू हैव टू प्रैक्टिस, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, राजम कहता है। मनी एंड आई विल टेक केयर ऑफ द बैटिंग, मनी और मैं बैटिंग को की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बैटिंग को देख लेंगे। बट इफ़ यू कीप YMU स्टैंडिंग फॉर मोर देन 5 मिनट्स, आई विल नेवर फॉरगिव यू।
अगर YMU का प्लेयर 5 मिनट से भी ज़्यादा खड़ा रह गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जस्ट 7 डेज बिफोर द मैच, मैच में केवल 7 दिन रह गए हैं। स्वामीनाथन रिलीज्ड दैट हिज इवनिंग वर मोर प्रीशियस देन एवर। स्वामीनाथन महसूस करता है कि जो उसकी शाम है वो बहुत ही बेहतरीन है। एज सून एज द इवनिंग रिंग बेल, जैसे ही शाम की बेल बजती है, ही लैंड अप विद द रेस्ट इन द ड्रिल ग्राउंड। वो लाइन से ग्राउंड में चला जाता है ड्रिल करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। बट कॉन्ट्रेरी टू द कस्टम ही हैड नॉट टेकन ऑफ हिज कोट एंड कैप, लेकिन वो अपना कोट और कैप को नहीं उतारता है। ऑल द अदर वर इन देयर शर्ट्स विद देयर धोती टक्ड अप, और बाकी सारे जो प्लेयर होते हैं वो सिर्फ शर्ट और धोती में होते हैं। द ड्रिल स्टॉप्ड बिफोर हिम, लुक्ड हिम अप एंड डाउन एंड पास्ड ऑन मटरिंग, यू वॉन्ट गेट लीव कोट एंड कैप ऑफ। जो ड्रिल मास्टर होते हैं वो आते हैं और स्वामीनाथन के पास आते हैं और रुक जाते हैं और उसको ऊपर से नीचे तक देखते हैं और फिर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जान, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, अपना कोट और कैप उतारो। स्वामीनाथन बिकेम डेस्परेट एंड पर्स्ड हिम। सर, स्वामीनाथन निराश हो जाता है और वो अपने सर को मनाने की कोशिश करता है। सर, आई एम इन टेरेबल स्टेट ऑफ हेल्थ, आई कांट अटेंड ड्रिल टुडे। सर, मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए मैं ड्रिल नहीं कर पाऊँगा। आई शैल डाई इफ आई डू, अगर मैंने ये किया तो मैं मर जाऊँगा। द ड्रिल मास्टर हैड कम टू द लास्ट बॉय एंड येट स्वामीनाथन वॉज डोजिंग हिम। ड्रिल मास्टर आखिरी लड़के के पास तक आए तब तक स्वामीनाथन जो है वो उनका पीछा करता रहा। ही टर्नड राउंड ऑन स्वामीनाथन एनॉयड, वॉट इज़ द मैटर विद यू। फिर उन्होंने टर्न किया, मुड़े, वो स्वामीनाथन की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा कि क्या बात है, क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्या क्या है तुम्हारे साथ। सर, आई होल ऑफ लास्ट नाइट आई वॉज डिलीरियस, द ड्रिल मास्टर वॉज स्टनिंग बाय द दिस पीस ऑफ न्यूज़, यू वर डिलीरियस। तो जो स्वामीनाथन होते हैं वो बोलता है लड़का कि सर, मेरी कल रात को क्या है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो ड्रिल मास्टर जो होते हैं वो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और ये सुन के, मतलब ये न्यूज़ सुन के कि कल रात को स्वामीनाथन की तबीयत ख़राब थी और एक हफ्ते बाद मैच है, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। और यू वर डिलीरियस, क्या तुम, मतलब डिलीरियस का मतलब होता है कि पूरी रात ना सो पाना। अगर तबीयत ख़राब होती है जब हमारी, तो जैसे बहुत ज़्यादा बुखार होता है तो हमें रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, तो उसे बोलते हैं डिलीरियस। आई डिड नॉट स्लीप अ विंक लास्ट नाइट, मैं कल रात को एक झपकी भी, मैंने एक पल के लिए झपकी भी नहीं ली। स्वामीनाथन कहते हैं आई वॉज डिलीरियस, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अवर डॉक्टर सेड टू सो, डॉक्टर ने कहा है, ही हैज़ आस्क मी नॉट टू अटेंड ड्रिल फॉर अ वीक टू कम, मैं एक हफ्ते के लिए ड्रिल को अटेंड करने नहीं आ सकता हूँ। गेट आउट बॉय, चले जाओ यहाँ से लड़के, आई डोंट बिलीव अ वर्ड, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, गेट आउट, चले जाओ। स्वामी रन आउट ऑफ स्कूल टुवर्ड द प्रैक्टिस फील्ड, स्वामी दौड़ कर जाता है और जो प्रैक्टिस का फील्ड होता है जहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हैं उसमें दौड़ लगाने लग जाता है। Everybody was happy to see him so early. सभी उसको देख करके खुश हो जाते हैं। राजम जंप विद जॉय, राजम तो खुशी से और भी ज़्यादा जंप करने लगता है।
द ओनली थिंग स्वामी वॉज अफ्रेड ऑफ वॉज दैट द ड्रिल टीचर वुड स्पे हिम आउट ऑन द फील्ड। लेकिन स्वामीनाथन अब वो डर जाता है, ड्रिल टीचर से डर जाता है, और वो ये सोचता है कि अब उन्होंने मुझे फील्ड में चक्कर काटते हुए देख लिया तो। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, ही हैज द प्लान, एक प्लान तैयार करके आता है वो, टू बी फ्री ऑल द इवनिंग ऑफ अ वीक, जिससे वो हर शाम को फ्री हो सके। इट वॉज 7:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 7:30 बजे, एंड हाफ आवर लेफ्ट बिफोर स्कूल। सुबह के 7:30 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल होता है, और स्कूल के बाद घर जाना जाता है। स्वामीनाथन क्वाइटली स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, स्वामीनाथन अपने घर से दौड़कर जाता है। 10 मिनट के बाद ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर डॉक्टर केशवन डिस्पेंसरी, 10 मिनट के बाद वो डॉक्टर केशवन की डिस्पेंसरी मतलब एक क्लिनिक वहाँ पे जाता है। स्वामीनाथन फाउंड दैट द डॉक्टर वॉज अलोन एंड फ्री एंड एंटर, स्वामीनाथन देखता है कि डॉक्टर अकेला है, फ्री है, तो वो डॉक्टर के पास एंटर हो जाता है, चला जाता है। हेलो स्वामीनाथन, व्हाट इज़ द मैटर, कैसे हो स्वामीनाथन, क्या बात है डॉक्टर ने पूछा। आई हैव गॉट टू हैव डॉक्टर सर्टिफिकेट इमिडिएटली, मुझे बहुत जल्द से जल्द डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। आई विल टेल यू द ट्रूथ डॉक्टर, मैं आपको सच बताता हूँ डॉक्टर। आई हैव टू प्ले अ मैच नेक्स्ट वीक अगेंस्ट YMU, अगले हफ्ते हमारा एक मैच है YMU के अगेंस्ट के खिलाफ। आई मस्ट हैव सम प्रैक्टिस, और मुझे कुछ प्रैक्टिस भी करनी है। एंड येट एवरी इवनिंग देयर इज़ ड्रिल क्लास, और प्रतिदिन रोज शाम को ड्रिल क्लास होती है, स्काउटिंग और सम पीरियड और अदर, स्काउटिंग और उसके अलावा कुछ अलग पीरियड्स भी होते हैं। इफ़ यू कुड गिव मी सर्टिफिकेट आस्किंग लेट मी ऑफ एट 4:30, यदि आप मुझे सर्टिफिकेट दे दोगे तो मुझे 4:30 पर स्कूल में छोड़ दिया जाएगा। इट वुड हेल्प द MCC टू विन द मैच, जिससे मेरी MCC टीम जीत पाएगी। मतलब वो स्कूल से आधा घंटा पहले आना चाहता है जिससे कि वो प्रैक्टिस कर सके। वेल आई कुड डू इट, मैं कर सकता हूँ, बट इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग विद यू, क्या ये गलत नहीं होगा। स्वामीनाथन टुक हाफ अ सेकेंड टू फाइंड आंसर, स्वामीनाथन कुछ सेकेंड के लिए रुकता है और फिर बोलता है, सर्टेनली आई एम बिगनिंग टू फील दैम आई हैव ड्रीम, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग होना शुरू हो रही है कि मैं ड्रिलिंग फील कर रहा हूँ। ड्रिलिंग मतलब वही पूरी रात बुखार होना, नींद आना, बेचैनी महसूस होना। बॉय डिड यू से ड्रिलिंग, क्या तुम्हें ड्रिलिंग फील हो रहा है। वॉट एग्जैक्टली डिड यू मीन बाय ड्रिलिंग, क्या तुम्हें ड्रिलिंग का मीनिंग भी पता है। आई कांट से एग्जैक्टली, मुझे अच्छी तरह तो नहीं पता, नहीं कह सकता, बट इज नॉट इट्स काइंड ऑफ स्टमक एज, पर ये कुछ पेट दर्द से रिलेटेड कुछ संबंधित होता है, ऐसा स्वामीनाथन कहता है। द डॉक्टर लाफ्ड टिल अ ग्रेट फिट ऑफ कफ थ्रेटन टू कॉक हिम, डॉक्टर इतनी ज़ोर से हंसे कि हंसी के मारे उनका गला एकदम से चौक हो गया। आफ्टर दैट ही लुक्ड स्वामीनाथन अंडर द आईज, एग्जामिन हिज टंग, टैप्ड हिज चेस्ट एंड डिक्लेयर्ड हिम टू बी इन द पिंक ऑफ हेल्थ। स्वामीनाथन की आईज, टंग, चेस्ट चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, एंड टोल्ड हिम ही वुड डू वेल टू स्टिक टू हिज दिल इफ ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ डेलेरियम, यदि तुम डेलेरियम कहना चाहते हो तो तुम्हें डेलेरियम कुछ भी नहीं है, तुम ड्रिल कर सकते हो, बिल्कुल ठीक हो। स्वामीनाथन अगेन एक्सप्लेन्ड टू हिम हाउ
इम्पॉर्टेंट इट वॉज मोर हिम टू हैव हिज इवनिंग फ्री। तो स्वामीनाथन फिर से डॉक्टर को समझाने लगे कि उनका शाम को फ्री रहना कितना ज़रूरी है। बट आई विल बी प्रोसिक्यूटेड इफ़ आई गिव यू एनी सच अ सर्टिफिकेट। यदि मैं तुम्हें ऐसा कोई सर्टिफिकेट दूंगा तो ये लॉ के ख़िलाफ़ होगा, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होगा। मैं तुम्हें ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। हु इज़ गोइंग टू फाइंड इट आउट डॉक्टर? डॉक्टर कौन देखने आ रहा है? डू यू वॉन्ट आवर MCC टू लॉस द मैच? क्या आप चाहते हो कि हमारी MCC मैच को हार जाए? आई विश यू ऑल सक्सेस। मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब सफल हो। डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। आई कैन कांट गिव यू अ सर्टिफिकेट। मैं तुम्हें सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता, बट आई शैल टॉक टू योर हेड मास्टर अबाउट यू एंड रिक्वेस्ट हिम टू लेट यू ऑफ आफ्टर 4:30। लेकिन मैं तुम्हें सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारे हेडमास्टर से, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो तुम्हें 4:30 पे फ्री कर दे, छोड़ दे। दैट विल डू। आप करोगे? यू आर वेरी काइंड टू मी डॉक्टर। आप बहुत दयालु हो डॉक्टर। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर फिनिश होता है और इस चैप्टर के स्टोरी के राइटर हैं मिस्टर R.K. नारायण। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।